सहरसा को मिली है 3 नई ट्रेन। इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे यह कौन सी 3 ट्रेन होगी, इसका रूट क्या होगा और इस तीनों ट्रेन का परिचालन सहरसा से कौन से रेलवे स्टेशन के बीच किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको रेलवे का सारा न्यूज अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई को होने वाली इस रेलवे मीटिंग में ट्रेन टाइम टेबल की चर्चा होनी है और इसमें सभी जोन के अधिकारी मौजूद होते हैं और इसमें ट्रेनों का विस्तार एवं नई ट्रेन का अनाउंसमेंट भी किया जाता है। इस प्रस्ताव में इस बार सहरसा को 3 नई ट्रेन मिलेगी और यह तीनों ट्रेन का परिचालन जल्द ही शुरू होगा। IRCTC रेल मीटिंग में फिलहाल इन तीनों ट्रेन की लिस्ट बनाई गई है, जो कि आपको हम बताएंगे। तो चलिए वो लिस्ट भी जान लेते हैं। यहाँ पर पहली ट्रेन जो सहरसा से चलेगी वो होगी सहरसा से भागलपुर के बीच एक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन। अभी फिलहाल सहरसा से भागलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन चलती है, लेकिन जुलाई के बाद से सहरसा से भागलपुर के बीच आपको एक एक्सप्रेस ट्रेन मिल सकेगी। इसके साथ ही दूसरी ट्रेन होगी जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का विस्तार सहरसा तक किया जाना है, क्योंकि हावड़ा से जमालपुर के आने के बाद इस ट्रेन का ठहराव जमालपुर में लगभग 8 से 10 घंटा तक रहता है, जिस कारण इस ट्रेन को जमालपुर से सहरसा के बीच चलाया जा सकता है। दूसरी ट्रेन यह होगी और तीसरी ट्रेन होगी हावड़ा रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन। इसका विस्तार सहरसा तक किया जाएगा। ट्रेन संख्या 53045 और 53046। हावड़ा से रामपुर हाट के बीच चलने वाली हावड़ा रामपुर हाट पैसेंजर का विस्तार सहरसा तक होगा और गया जमालपुर पैसेंजर का भी विस्तार सहरसा तक किया जाना है। यानी कि कुल मिलाकर इस तीनों ट्रेन का विस्तार सहरसा तक होगा, लेकिन सहरसा को मिल जाएगी इसके साथ ही 3 नई ट्रेन। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में इस ट्रेनों को लेकर के क्या जानकारी रेलवे ने साझा किया है और उसकी समय सारणी क्या होगी, रूट क्या होगा, उस ट्रेन की सभी जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो अपडेट में मिलेगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को